हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग और आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे विंडोज़ 7 को हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, और वह भी एक ऐसी हार्ड डिस्क पर जो कि शुरू में लगभग 10 से 20 जीबी तक की बैड सेक्टर्स वाली है। तो हम उस पर फ्रेश इंस्टॉल करेंगे विंडोज़, आप देखिए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे कि उस हार्ड ड्राइव को मल्टी बूट, मतलब उसके ऊपर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कि ऑप्शन आ जाती है हमारे पास कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको बूट अप करना है, इस तरह की मल्टी बूट वाली मतलब सिस्टम उसको क्रिएट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बायोस में आ गया हूँ मैं। मैंने पेन ड्राइव अटैच कर दिया विंडोज़ 7 की, और मैं इसमें इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, हार्ड ड्राइव, इसको पेन ड्राइव को। ये मैंने इसको बूट सीक्वेंस चेंज कर दिया इसकी, और इसको मैं सेव एंड एग्जिट कर जाता हूँ। ये विंडोज़ 7 की पेन ड्राइव से बूट होगा, ये बूट हो रहा है। मैंने इसको स्पेस बार क्लिक करके इसको स्टार्ट कर दिया। विंडोज़ 7 जो है लोड होनी शुरू हो गई है पेन ड्राइव के थ्रू। तो देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप मेरी जो वीडियोज़ है, इसकी विंडोज़ 7 की एक अपडेट वाली वीडियोज़ है कि किस तरह से आप विंडोज़ 7 को स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीट अपडेट कर सकते हैं, वो आप ज़रूर देखें। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उसमें सारी डिटेल दी हुई है कि आप किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, किस तरह से उसको स्टॉप कर सकते हैं, और बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको लिंक दे दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप देखिएगा। और चलिए चलते हैं, हम देखते हैं। विंडोज़ 7 ये बूट हो गया है, इसकी स्टार्टिंग लोगो आ गया, और ये लैंग्वेज वगैरह और ये टाइम करेंसी इनपुट, ये मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, नेक्स्ट करेंगे। अगर विंडोज़ आप रिपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से भी रिपेयर कर सकते हैं, विंडोज़ 7 पेन ड्राइव से बूट करने के बाद, अगर आपकी विंडोज़ करप्ट है। तो हम फ्रेश इंस्टॉल करना है, इसलिए चलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये विंडोज़ अगर आपका 32-bit सिस्टम है तो ये यूज़ करेंगे, 64-bit है क्योंकि, तो मैं इसको ये यूज़ करूँगा ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं, लाइसेंस टर्म एक्सेप्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें अपग्रेड नहीं करना है, हमें फ्रेश इंस्टॉल करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब ये दोस्तों देखो, इसमें काफ़ी सारे ड्राइव्स दिखा रहा है, मैं सारे पहले ड्राइव्स डिलीट कर देता हूँ। इसको हम फ्रेश दोबारा से क्रिएट करेंगे पार्टीशंस। ये देखिए, मैंने सारे पार्टीशंस इसके डिलीट कर दिए हैं अभी, और बताता हूँ, फर्स्ट टाइम 6144, ये क्लिक कर दिया मैंने पार्टीशन एक। इसके बाद मैं एक पार्टीशन और क्रिएट करता हूँ 6144 का ही, 6144, ये 12 GB का हो गया। अब मैं इसके बाद इसको क्लिक करके एक पार्टीशन 110 GB का, जिस पर हमें विंडोज़ इंस्टॉल करनी है, क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए, अब ये बोल रहा है कि एक, इसको एक एडिशनल पार्टीशन क्रिएट करना है सिस्टम फाइल्स के लिए, ओके कर देते हैं हम। दोस्तों, में इस तरह से हम एक ख़राब हार्ड डिस्क को भी हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि बैड सेक्टर्स हों और वो इंटैक्ट रहे। आपको थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगाना होता है कि आपकी हार्ड ड्राइव कहाँ से ख़राब हो रही है, मतलब विंडोज़ इंस्टॉलेशन के बाद एकदम करप्ट हो जाती है, कुछ कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसका मतलब हार्ड ड्राइव विंडोज़ जहाँ पे इंस्टॉल हो रही है वहाँ पे प्रॉब्लम है उसमें। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए, जैसे हमारे लिए ये विंडोज़ के पार्टीशन और ये दोनों पार्टीशन क्रिएट हो गए हमारे, तो अब हम क्या करते हैं, इस पार्टीशन को और इस पार्टीशन को जो 6 GB का हमने, इनको हम डिलीट कर देते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अब ये दोनों पार्टीशन क्रिएट और डिलीट हो गए, अब हम इस पर विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे, ये सिस्टम के लिए हो जाएगा और ये सेपरेट हो जाएगा अलग। तो इस पर क्लिक करके हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन शुरू हो गई इस पर, और इसको कंटिन्यू करते हैं। और एक बार जैसे ही विंडोज़ कंप्लीट होती है, ये अपडेट बंद होता है, मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा दोबारा से। अभी मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ थोड़ी देर। ये देखिए दोस्तों, एक बार ये अब इंस्टॉल होने के बाद रीस्टार्ट हो गया सिस्टम, और अभी ऑन हो जाएगा, डेस्कटॉप ओपन होगा। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं सारी को, और कंप्लीट करते हैं इसको, इंस्टॉलेशन को। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, इस तरह से आप एक ख़राब हार्ड डिस्क पर भी विंडोज़ 7 या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। बस आपको पार्टीशन क्रिएशन के टाइम थोड़ा सा टेक्निकली सोच के काम करना होगा। तो ये देखिए, कंप्लीट हो गया है, अभी डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा थोड़ी देर में।
ये देखिए दोस्तों कि एक बार से रीस्टार्ट होगा सिस्टम, और उसके बाद विंडोज़ डेस्कटॉप का मतलब प्रोफाइल क्रिएशन होगी, अब यूज़र प्रोफाइल क्रिएट होगी। अब ये बूट हो गया है हार्ड ड्राइव से, और अब इसकी प्रोफाइल जो हम जैसे यूज़र आईडी के और वो जो क्रिएट होता है पासवर्ड वगैरह लगाएंगे और वो सारी चीज़ें करेंगे। दोस्तों इसके अगर ड्राइवर्स आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, अगर इंस्टॉल नहीं होते हैं किसी तरह से, किसी रीज़न से, तो आप अपने लैपटॉप का या कंप्यूटर का जो भी मदरबोर्ड है या मॉडल वाइज सर्च करके आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं कंपनी से, या फिर एक साइट होती है ड्राइवर पैक सॉल्यूशंस, उससे आप कनेक्ट करके अगर नेट चला पाते हैं, उस पर इंटरनेट चल जाता है आपके फ़ोन इस पर कंप्यूटर पर, तो उससे आप सिंक करके और सारे ड्राइवर्स वगैरह कम्प्लीटली इंस्टॉल कर सकते हैं। ड्राइवर पैक सॉल्यूशंस एक साइट है उसकी। तो अब ये देखिए हम इस पे अपने यूज़र नेम क्रिएट करना है, यूज़र आईडी मैंने लिख दिया इसमें, करते हैं। पासवर्ड डालना चाहे पासवर्ड डाल सकते हैं, इसको मैं फ़िलहाल ऐसे ही कर देता हूँ, आस्क मी लेटर कर देते हैं फ़िलहाल इसको, और जोन सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो अब ये जो है यूज़र प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी इसकी, जिसमें कि विंडोज़ मतलब आप जिस यूज़र से लॉगिन करेंगे उसका पासवर्ड, उसकी लोकेशन मतलब एरिया जैसे रीजन जो होता है वो सेलेक्ट हो जाएगा, तो इस तरह की प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है। और दोस्तों इसके बाद मैं एक और वीडियो क्रिएट करूँगा, उसमें हम इसी हार्ड ड्राइव पर मल्टी बूट वाला मतलब हम उसमें विंडोज़ 7 के साथ एक विंडोज़ 8 की भी इंस्टॉलेशन करेंगे, ताकि जब कंप्यूटर बूट होता है तो हमारे पास ऑप्शन हो कि हम विंडोज़ 7 बूट करना चाहते हैं या विंडोज़ 10 बूट करना चाहते हैं, तो इस तरह से हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो मतलब आपके पास ड्यूअल बूट हो जाएगा सिस्टम, दो आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं उसमें, तो वो भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद एक और वीडियो बनेगी। और दोस्तों अगर आप विंडोज 7 यूज़ करते हैं तो अपडेट इसको ज़रूर करें, और कोशिश करें कि अगर आप उसमें कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह भी करना चाह रहे हैं कि सोच रहे हैं, तो एक अच्छा एंटीवायरस ज़रूर रखें, क्योंकि विंडोज 7 को अपडेट हुए मतलब 2020 से बंद हो गया था, 3 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, और मतलब इसको आप अगर वैसे यूज़ करोगे विदाउट एंटीवायरस तो वो ख़तरे से खाली नहीं है। एंटीवायरस ज़रूर यूज़ करें अगर आप पेमेंट वगैरह कर नॉर्मल यूज़ सर्फिंग करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कि अगर आपको फॉर्मेट करना पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, बार बार भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं है कि भाई, लेकिन अगर आप वैसे यूज़ करना चाहते हैं इसको तो अपडेट ज़रूर करें जितना मैक्सिमम हो सकता है, और उसके बाद आप इसको एंटीवायरस के साथ यूज़ करें ज़रूर। और पेमेंट वगैरह का अगर आप करना चाहते हैं तो वो तो मैं तो कब बोलूँगा कि आप उसको अवॉइड ही करें। तो ये देखिए दोस्तों अपडेट हो गया, सिस्टम ऑन हो गया। मैं इसको एक छोटी सी सेटिंग कर देता हूँ, ये क्लिक करते हैं यहाँ से, इसको अपीयरेंस में जाते हैं, पर्सनलाइजेशन में जाते हैं, और डेस्कटॉप आइकन्स में जाते हैं, और इनको टिक मार्क लगा लेते हैं, ओके करेंगे तो आपके पास ये डेस्कटॉप पे सारे आइकन आ जाएंगे। आप इसको मैनेज करेंगे यहाँ से, आपको पता चल जाएगा आपके कितने सिस्टम्स के ड्राइवर इंस्टॉल हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो वो भी आप चेक कर पाएंगे यहाँ से। ये देखिए डिवाइस ड्राइवर, ये देखिए इसमें ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल नहीं हुए हैं अभी, काफ़ी सारे ड्राइवर्स मतलब इंस्टॉल होने हैं, तो अगर आपके पास इसके सर्विस पैक वगैरह हैं तो आप उनको इंस्टॉल करेंगे। आप जैसे विंडोज़ सर्विस पैक 1 हो गया, अभी इसमें सर्विस पैक 1 इंस्टॉल नहीं है,
विंडोज 7 है केवल, विंडोज सर्विस पैक आप इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद जो दूसरे रोल अप पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल करेंगे, तो उसके बाद उसके ड्राइवर्स अपने आप उसमें इंस्टॉल हो जाते हैं। तो हो सकता है आपको इंस्टॉल करने की ड्राइवर जाके ज़रूरत ही ना पड़े करने की, तो आप ये भी तरीका आपके पास, अगर आप चाहते हैं तो आप उनको पहले से डाउनलोड करके रख लें और बाद में फ्रेश इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये देखते हैं दोस्तों इसमें हमने जो पार्टीशंस किए थे वो किस तरह से शो कर रहे हैं। यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाएंगे, डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे, और ये देखिए दोस्तों इसमें हमारे पास क्या होगा, ये आप देख रहे हैं 6 GB के हमने जो दो बनाए थे वो डिलीट कर दिए थे, वो पार्टीशन ये हो गए। ये हमारे पास सिस्टम का पार्टीशन हो गया 100 MB का जो बनता है, और ये हमारा सी ड्राइव का पार्टीशन हो गया। ये हमारे पास अनलोकेटेड है, इसको हम एक और पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं एज अ डी ड्राइव के तौर पे। तो ये हमारे पास अलग से एक ड्राइव आ जाएगा जिसमें हम डेटा अपना सेव कर सकते हैं, सी ड्राइव में ना रखें जिसको। तो ये देखिए अभी ये फॉर्मेट हो गया, ये भी इंस्टॉल ऑन हो जाएगा। तो हमारे पास दो पार्टीशन हो गए, ए और ये 12 GB का जिसमें कि बैड सेक्टर्स हैं, ये इंटैक्ट हो गया, अनयूज्ड हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है दोस्तों, ये आपको मेरी वीडियो में ही मिलेगी और कहीं पर नहीं मिलेगी अभी। ये मैंने कितनी वीडियोस देखी हैं पर मुझे कहीं नहीं मिली ये वाली वीडियो, इस तरह की टेक्निक। तो कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपडेट कर लें इसको, और आप कोशिश करें क्रोम वगैरह पहले से डाउनलोड करके रखें ताकि आपको इंस्टॉलेशन के बाद में ज़्यादा वो करने की ज़रूरत ना पड़े। आप सीधे इंस्टॉलेशन के बाद रोल अप पैकेजेस, सर्विस पैक वगैरह इंस्टॉल करें और क्रोम इंस्टॉल करें और बाकी सारी चीज़ें अपडेट कर लें। तो क्रोम का भी आप स्टार्टअप जो होता है उसका इंस्टॉलर जो होता है वो आप पहले से डाउनलोड करके रखें, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, इसको हम फिर आगे ड्यूअल बूट में यूज़ करेंगे। चलिए मिलते हैं दोस्तों, गुड बाय, और चैनल सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें अगर पसंद आती वीडियो तो।